हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भंडारा घूमने के प्रमुख स्थान। भंडारा भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक जिला है। यह जिला राज्य के ईशान्य भाग में स्थित है। भंडारा जिले के उत्तर में मध्य प्रदेश का बालाघाट, पूर्व में गोंदिया, दक्षिण में चंद्रपुर और पश्चिम में नागपुर जिले से घिरा हुआ है। वैनगंगा जिले की प्रमुख नदी है। यह जिला अपने तालाबों और सुगंधित चावल के लिए प्रसिद्ध है। जिले में समृद्ध जंगल, प्राचीन खनिज संपदा, धातु बर्तन निर्मिति और कलाकुसर के लिए भी प्रमुख विशेषताएं हैं। भंडारा जिले को तालाब का जिला भी कहा जाता है। इस जिले में कुल 7 तालुके हैं। भंडारा जिले का क्षेत्रफल 3716 चौरस किलोमीटर फैला हुआ है। नंबर 1, अंबागढ़ किला। अंबागढ़ किला भंडारा जिले के तुमसर तालुके में स्थित है। यह किला तुमसर से लगभग 15 किलोमीटर के दूरी पर पश्चिम में स्थित है। अंबागढ़ किला 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले का निर्माण गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने लगभग 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर करवाया था। कहा जाता है कि इस किले को ईस्वी सन 1700 के आसपास बनवाया गया था। नंबर 2, कोरंबी मंदिर। कोरंबी मंदिर भंडारा जिले में स्थित है। यह मंदिर कोरंबी की पहाड़ी पर स्थित है। कोरंबी देवी हिंदुओं के बीच एक पवित्र स्थान है। यह गांव वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। नंबर 3, पौनी किला। भंडारा जिले के पौनी तालुके में प्रसिद्ध पौनी किला भंडारा से 47 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। पौनी गांव तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ से वैनगंगा नदी है। इनमें से एक पहाड़ी पर पवन राजा का किला है। यह किला अभी भी अच्छी स्थिति में है। नंबर 4, इंदिरा सागर डैम गोसे खुर्द प्रकल्प। नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर जिलों में सिंचन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गोसे खुर्द प्रकल्प के रूप में इंदिरा सागर डैम की स्थापना की गई थी। यह प्रकल्प 23 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उपस्थिति में करवाया था। वर्तमान में यह डैम और आसपास के क्षेत्र में बिजली और सिंचन की जरूरत पूरा करता है। नंबर 5, कोका वन्यजीव अभयारण्य। कोका वन्यजीव अभयारण्य को 2013 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कोका वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 92 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। बाघ और तेंदुआ कोका अभयारण्य में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। दिसंबर के दौरान यहाँ पर सेबेरिया से पक्षी आते हैं और जनवरी के मध्य में लौटते हैं। वेल दोस्तों, ये तो थी भंडारा के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।